हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेस्ट फ्राइंग पैन्स ऑफ दिस ईयर। अगर आपको फ्राइंग पैन लेना है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सी कंपनी का लेना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो फ्राइंग पैन्स बनाती हैं, जिनके अच्छे अच्छे फ्राइंग पैन्स मार्केट में अवेलेबल है, बट आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा लेना चाहिए। तो मैंने इन यही चीज़ ध्यान में रख के इन फ्राइंग पैन्स के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर की है, जिसमें मैंने ध्यान रखा है कि लोगों ने इनके क्या रिव्यू किया, क्या रेटिंग्स दी, और यूज़ करने के बाद में उनके क्या फीडबैक्स रहे, और स्पेशली इनकी प्राइस, वो मैंने ध्यान में रखा है। और इन सारे फ्राइंग पैन्स की लिस्ट मैं आगे आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूँगी विथ डिटेल, सारी डिटेल शेयर करूँगी। बट उसके अलावा आपको और भी कुछ जानना है तो इन सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ से जाके बाय करेंगे तो आपको एक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में ये सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। एट नंबर 5, इट इज फ्यूचुरा फ्राइंग पैन। हाई क्वालिटी नॉन स्टिक कोटिंग, मेड इन जर्मनी है। ब्लैक मेटल स्प्रेड्स हीट इवनली। इट लास्ट लॉन्ग देन ऑर्डिनरी नॉन स्टिक एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 1200 रुपीज। At number 4, it is Hawkins frying pan. Gas stove top compatible है, non-toxic and non-staining है, non-spoiled by heating and this will cost you around 1200 rupees. At number 3, it is Amazon Basics frying pan. Heavy duty cast iron construction है, 1 year limited warranty है. Oven safe to 260 degree Celsius hai and this will cost you around 1400 rupees. Next is Vinod frying pan. High grade stainless steel mirror finish hai. 3 layer construction, faster cooking hai. Ergonomically designed hai and this will cost you around 1850 rupees. At number 1, it is Prestige frying pan. Durable granite finish coating है, superior non-stick surface है, induction and gas stove compatible है and this will cost you around 1500 rupees. If you need any further clarification related to these frying pans, then you can comment me below in the comment section. I will try to answer you. Thanks for watching.